आज हम लोग टैली ईआरपी 9 में क्रेडिट नोट वाउचर बनाना सीखेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर बनाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि क्रेडिट नोट वाउचर होता क्या है। तो क्रेडिट नोट वाउचर एक प्रकार का दस्तावेज होता है, वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसे विक्रेता अपने ग्राहकों को जारी करता है। यह दस्तावेज खरीदार के खाते में क्रेडिट होने की जानकारी देता है, इसे क्रेडिट मोमो के नाम से भी जानते हैं। यह बनाया क्यों जाता है? यह ऑर्डर में बदलाव जैसे आंतरिक निर्णय या बाहरी कारकों की वजह से अगर ऑर्डर में बदलाव की जरूरत होने या ग्राहक, इसे क्रेडिट मोमो भी कहा जाता है। इसे बनाया क्यों जाता है? ऑर्डर में बदलाव जैसे आंतरिक निर्णय या बाहरी कारकों की वजह से ऑर्डर में बदलाव की जरूरत होना या ग्राहक असंतोषपूर्ण होना, जैसे मिलने वाला सामान उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जो है क्रेडिट नोट का बनाया जाता है वाउचर। तो चलिए देखते हैं टैली ईआरपी 9 में क्रेडिट नोट का वाउचर कैसे बनाएंगे। क्रेडिट नोट का वाउचर बनाने के लिए F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंटरी फीचर्स पे आएंगे, इसमें आपको ऑल ऑप्शन यस करना है और सेल्स मैनेजमेंट को नो करना है। तो आप लोग इसमें सभी ऑप्शन को यस कर लेंगे और ये सेल्स मैनेजमेंट को नो ही रहने देंगे, इसके बाद से इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ से बैक जाएंगे, इसके बाद से हम इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पर आएंगे। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में हम अपना पूरा फुल डिटेल भरेंगे, जैसे लोकेशन कहाँ है, यूनिट्स ऑफ मेजर क्या है, ग्रुप किस चीज़ का है, कैटेगरी कौन से, स्टॉक आइटम, इन सभी चीज़ों का डिटेल हम भरेंगे। हमारे में पहले से ही बना हुआ है तो हम भरेंगे नहीं, बस आपको दिखा दे रहे हैं कि ये ऐसे मतलब बनेगा। और इसको देखा कहाँ से जाता है, तो क्रिएट पर इंटर ना करके आप अल्टर पर इंटर करेंगे, दिखाएगा कि हमने क्या भरा है। तो हमारा लोकेशन लखनऊ में भरा गया है। इसी प्रकार से यूनिट्स का भी देख लेते हैं। यूनिट्स में हमारा 20 में भरा गया है। इसी प्रकार ग्रुप का भी अल्टर पे आएंगे, मोबाइल का भरा गया है, कैटेगरी कौन सी है अल्ट पे आएंगे, वीवो में दिखा देगा। उसके बाद से स्टॉक आइटम पर आएंगे, अल्ट पर आएंगे और ये वीवो मोबाइल का हमारा प्रॉपर फुल डिटेल दिखा देगा। यहाँ से इतना होने के बाद अब बैक जाएंगे हम, काउंटिंग इंफॉर्मेशन पर आएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे सेंडी डेबिटर के नाम से, जैसे रोहन सेंडी डेबिटर, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद से बैक जाएंगे, इसकी बटन, उसके बाद से हम इन्वेंटरी वाउचर पर आएंगे। इन्वेंटरी वाउचर पे आने के बाद से हमें रिजेक्शन इन का वाउचर दिखा रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्रेडिट नोट का वाउचर। तो क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे, हमारा क्रेडिट नोट वाउचर खुल जाएगा। क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होने के बाद हमें इस रूप में लाना है, इसके लिए कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे, पूरा फुल डिटेल शो कर देगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अगर है आपके पास तो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद से पार्टी नेम रोहन को उठाएंगे, इसके बाद से इंडब्लिट ट्रैकिंग नंबर है तो है, नहीं तो इंडब्लिट करेंगे, आर्डर नंबर भी है तो इंडब्लिट भरिए, नहीं तो इंडब्लिट कर दीजिए। इसके बाद से यहाँ से इसको एक्सेप्ट कराएंगे, सेल्स लेजर में आएंगे। सेल्स का लेजर बनाने के लिए
अगर हमारे पास लेजर नहीं है, मान लीजिए हमारा सेल्स लेजर नहीं बना है, तो हम बैक करके पीछे न जा करके हम यहीं से सेल्स को लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, उसके बाद से हम यहाँ पर गुड सेल्स लिखेंगे, उसके बाद से अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट होता है तो सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे, हमारा गुड सेल्स का लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद नेम ऑफ आइटम पे आएंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, वीवो मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, अगर ट्रैकिंग नंबर आए तो भरिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद से आप कितने पीस इन कर रहे हैं, जिसने आपने खरीदा था मतलब वापस लिया था उसका डिटेल भरेंगे, 5 पीस किए थे तो 5 पीस लिखेंगे, 16,000 रुपीज पर पीस का रेट था, 16,000 लिखेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा क्रेडिट नोट बन गया। इसको देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले पर आएंगे, इंटरप्रेस करेंगे, डेबिट पर आएंगे, ये हमारा क्रेडिट नोट दिखा रहा है, रिव्यू में देखना है, जैसा भी प्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, और जैसा जेड प्रेस करेंगे हमारा प्रीव्यू के रूप में दिखा देगा। इस प्रकार से हम क्रेडिट नोट वाउचर को बनाएंगे। उसके बाद से इसके बटन से बैक जाएंगे। अब हम